Evening. So welcome to Mr. Pattanaik here. Definitely, I am unsaid, but you know, it is a fanboy moment for me also today to be sitting with, you know, a guy we have been reading about, and especially the children books he's written is amazing. And I got my hands today on this amazing business sutra book, जो हम आज discuss करने वाले हैं. तो पटनायक साहब के बारे में क्या कहूँ मुझे नहीं पता, पर let's listen from him. आज हम कम बोलेंगे और पटनायक साहब से ज़्यादा सुनेंगे. तो इनका ना एक बहुत अमेजिंग सा चीज़ है, और ये बिजनेस से रिलेटेड भी है और ज़िंदगी से भी रिलेटेड है. ये एक 3B मॉडल बताते हैं, बहुत अमेजिंग सा 3B मॉडल है. तो मैं इन्हीं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्लीज़ एक्सप्लेन करें कि 3B मॉडल क्या है. तो जब हम बिजनेस सूत्र कहते हैं तो लोगों को समझाने के लिए तो हिंदी में पहले बोलूँगा, फिर इंग्लिश में बोलता हूँ. तो हिंदी में है ये, जैसा विश्वास वैसा व्यवहार वैसा व्यापार. तो एज इज बिलीफ सो इज बिहेवियर सो इज बिजनेस. तो ज़्यादातर क्या होता है इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, हम व्यवहार को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. तो किसी के यू नो बिहेवियरल साइंस जिसको कहते हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ये सब व्यवहार को देख के हम लोगों का परख करते हैं कि व्हाट डज अ पर्सन डू. बट इंडिया में वी वैल्यू जो व्यवहार है उसके पीछे विश्वास क्या है, क्योंकि विश्वास से ही व्यवहार निकलता है. और जैसे नौटंकी जब होता है तो व्यवहार जो कलाकार है वो राजा राम के जैसे व्यवहार कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वो राम है. या उसकी जो विश्वास रावण की हो सकती है लेकिन व्यवहार राम का होगा. तो बिहेवियर और बिलीफ में बहुत फर्क होता है. तो इसलिए ये जो सूत्र निकला है कि जैसा विश्वास वैसा व्यवहार वैसा व्यापार. और अलग अलग देशों में अलग अलग विश्वास होता है, और क्योंकि अलग विश्वास होता है व्यवहार भी अलग होता है, और इसलिए व्यापार भी वहाँ अलग तरीके से. अगर मेरा विश्वास है कि नहीं मुझे दूसरों की भूख भी मिटानी है, तो फिर मेरा व्यवहार अलग होगा, मेरा व्यापार अलग होगा. तो व्हेन पीपल टॉक अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है कि जब तक मैंने एक पॉलिसी नहीं बनाई तब तक मुझे ये नहीं लगा कि दूसरों के भूख के बारे में मुझे सोचना चाहिए. एक पॉलिसी ने फोर्स किया है, मतलब मुझे नहीं देखना है दूसरों के बारे में. एंड दिस इज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स. अगर आप फैमिली कंपनीज में जाएं तो वन ऑफ द बिगेस्ट, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ फैमिली ओल्ड कंपनीज, जो मालिक होता है करता होता है, ही विल बी 70 इयर्स ओल्ड लेकिन गद्दी नहीं छोड़ेगा. और उसके जो 50 साल के बेटे हैं वो बोलते हैं कि पापा कब मरेंगे, कि जब पापा मरेंगे तो मुझे तो पिताजी अपनी भूख मिटा वो नहीं गद्दी नहीं छोड़ेंगे, मतलब उनका भूख अब तक तृप्त नहीं हुए. सो तृप्त टू बी तृप्त इज कंसिडर्ड बैड, एंड दैट इज अनफॉर्चुनेटली द सोसाइटी दैट वी लिव इन. तो वो जाएंगे गुरुजी के पास लेकिन तृप्त नहीं होंगे. पर इसकी जड़ जो है, जो मैंने पढ़ी, और ये प्लीज मेरा हो सकता है मैंने गलत समझा हो, इसकी जड़ वो है कि माता दुर्गा जो है वो है, क्योंकि है ना उन्होंने शिवजी ने तो कहा यार मैंने तो संन्यास ले लिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर माता ने उनके पास जाके कहा कि भैया तुमने तो शिव पी के सुख हो गए लेकिन बाकी सबको थोड़ी शिव पी के वो पॉइजन पी के विष पी के काम चलेगा. तो ये शुरुआत वहां से हुई, आपने कुछ एक्सप्लेन किया इसके बारे में. सी जब हम पुराण में देखते हैं तो जैसे मैंने कहा कि उपनिषद में केवल अन्न के माध्यम से उन्होंने पूरी शास्त्र को समझाते हैं. सो दे एक्सप्लेन, इसलिए अगर आप मंदिर में भी जाते हैं तो बोलते हैं पहले भोग चढ़ाओ. अगर आप भोग क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि ये याद दिलाने के लिए कि भगवान को भी भूख लगती है, और आप वहाँ जाके प्रसाद मांगते हो ये याद दिलाने के लिए कि आपको भी भूख लगी है. आप भोग इसलिए खिला रहे हो कि आप रियली कि आप मुझे प्रसाद दो. आप वहाँ गए हो प्रसाद के लिए लेकिन लेके जाते हो भोग, तो नैवेद्य भोग बनता है, भोग से ही प्रसाद निकलता है. तो ये एक साइकिल होता है. तो ये बातें पुराणों में कैसे समझाई गई है कि अगर आप माउंट कैलाश का जो वर्णन होता है, शिव जी का जो वर्णन किया गया है, तो माउंट कैलाश इज अ माउंटेन ऑफ स्टोन कवर्ड विद स्नो. वहां पे वनस्पति नहीं है. जहां पे वनस्पति नहीं है मतलब वहां अन्न नहीं है. जहां अन्न नहीं है वहां पे प्राणी जीता कैसे है? जिसको भूख नहीं लगता है वही
सुखी रहता है. राइट. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मुझे भूख नहीं लगती, मेरे इच्छाओं से मैं परे हो चुका हूँ, ये भिक्षु के लिए ठीक है, सन्यासी के लिए ठीक है, बैरागी के लिए ठीक है, गृहस्थ जीवन के लिए नहीं. राइट. तो इसलिए शिव जी की हमेशा जब स्टोरी होती है तो उनकी कहेंगे कि शिव जी की शादी करा दो. राइट. ताकि उन्हें पता चले कि दूसरों के भूख के बारे में. राइट. एंड दिस इज द मुहावरा, दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग. राइट. सी दिस इज द टेंशन. इंडिया में हमेशा वैरागी जीवन और गृहस्थ जीवन के बीच में हमेशा एक टेंशन रहता. Right. अगर तो इसको कहते हैं श्रमणों की और सांसारिकों की. Right. इन दोनों के एक हमेशा टेंशन होता है कि जो श्रमण होता है वो अपने भूख को कॉन्कर करने में बैठा हुआ है, और जो संसारी होता है आइडियली वो दूसरों के भूख के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन Right. वो अपने भूख के अंदर ही वो अटक जाता है. Right. तो ये ऑल दिस फिलोसफी विच आर रिटन इन द मैनेजमेंट रियली कम्स फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स. राइट. सो फ्रॉम ये अगर पुराण बोलिए, वेद बोलिए, उपनिषद बोलिए, वहां पे ये एक ही बात है. सो आई वाज सरप्राइज दैट वी हैव नॉट यूज्ड दिस इन बिजनेस मैनेजमेंट, बिकॉज़ हम हमेशा वेस्टर्न मॉडल्स यूज करते हैं. राइट. सभी तो इवेंट्स हैं, खत्म ही नहीं होंगे मेरे पास, तो बहुत सारे खत्म ही नहीं हो रहे.